कोई भी व्यक्ति है वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, हाँ हम तो हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में दो अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्य जीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना, ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। आपके पसंदीदा सांड से मरे किसी, हाँ हम तो हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए और आज हर किसान को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिल रहा है। बिजनौर की जो चर्चा नेता विरोधी दल कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि वहां पे 20 ऐसे तेंदुए वहां से निकाल करके रेस्क्यू किया गया है और 6 टीमें लगातार वहां कैंप कर रही हैं। वन्य जीवों के प्रति आपका ये भाव मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता पैदा करता है।